हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 1 एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर वो चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो एक दूसरे के ऊपर, अपनी सराउंडिंग के ऊपर इमिडिएट डिपेंड होते हैं, है ना, और वो एक दूसरे के ऊपर भी इंटरडिपेंड होते हैं। इस रिलेशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के और जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग का, ठीक है, वो मिलके क्या फॉर्म करता है, इकोसिस्टम। ठीक है, तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है, अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, अब नेचुरल एनवायरनमेंट किससे मिलके बना है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल से। ठीक है, दस द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब हमारी अर्थ पे जितने भी बायोटिक और जितने भी एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब किस में आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाट आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के जो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या है, जैसे कि एक तो हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस खुद, है ना। नेचुरल में कौन कौन से आते हैं, लैंड, एयर, वाटर और लिविंग थिंग्स, जिसे हम कहते हैं बायोस्फेयर, है ना। और फिर आता है ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड में जैसे बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। और ह्यूमंस में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। ठीक है, अगला है, गिव फोर एग्जाम्पल्स ऑफ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन मेड यानी ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए कौन कौन से हैं, जैसे आप लिख सकते हो बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, रोड, लाइब्रेरीज, है ना, मॉल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लिथोस्फेयर। अगला है, व्हाट इज लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर किसे कहते हैं, ये अर्थ की जो सबसे हार्ड टॉप लेयर होती है, उसका सॉलिड क्रस्ट, है ना, जो सॉलिड क्रस्ट होता है उसे कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ, जो किससे बनी है, रॉक और मिनरल से, और सॉइल की यानी मिट्टी की एक पतली सी लेयर से वो कवर्ड है। इट इज एन इररेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। ओके, विच आर द टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। अब बायोटिक एनवायरनमेंट के दो मेजर कॉम्पोनेंट कौन से हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, अगला है, व्हाट इज द बायोस्फेयर। बायोस्फेयर किसे कहते हैं, बायोस्फेयर एक नैरो जोन है अर्थ की, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के संग लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दस प्लांट एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। तो प्लांट और जो एनिमल किंगडम है वो मिलके क्या बनाता है, बायोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अगला है, टिक द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। अब इसमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, जैसे कि एक्वेरियम। ठीक है, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब इसमें से ह्यूमन एनवायरनमेंट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, लैंड। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन मेड में आता है। फिर अगला है, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, रोड। ठीक है, अगला है, विच इज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को किससे खतरा है, एनवायरनमेंट को बढ़ती हुई पॉपुलेशन से, ठीक है, खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे मैच करना है, जैसे बायोस्फेयर, बायोस्फेयर क्या पढ़ा था आपने, अ नैरो जोन जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, मिलकर बायोस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट एयर की जो सराउंड हो रखी है वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, फिर है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है, डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारे चारों ओर सराउंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, गिव रीजंस। अब हमें यहाँ पे रीजंस देने हैं कि मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। अब मैन्स ने किन रीजंस की वजह से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करा है,
जैसे ही कट फॉरेस्ट, उसने फॉरेस्ट कट करे, क्लियर करे लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो जमीनें हैं वो क्लियर करी एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए और हैबिटेशन के लिए। ही टिल्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, अब उसने जमीन जोती है ना खेती बाड़ी के लिए। यूजेस द लैंड टू बिल्ड बिल्डिंग्स रोड्स एंड रेलवेज, अब लैंड किस तरीके से यूज करा उन्होंने, बिल्डिंग्स बनाए, रोड्स बनाए और रेलवेज बनाए। पानी को यूज करा, हवा को सर्वाइवल के लिए यूज करा। ही सेटअप इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एसेट्रा, और उसने क्या करा कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और सारी चीजों को सेटअप करा, है ना। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को उन्होंने मॉडिफाई किया। अगला है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कैसे? प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं फूड टू एनिमल्स, एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, है ना। दे इन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ एड्स ब्यूटी टू द फॉरेस्ट, है ना। और एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं मैन्योर, किसके लिए? प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो एक दूसरे को वो चीजें दे रहे हैं, है ना। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड ब्यूटी टू फॉरेस्ट, एनिमल्स भी फॉरेस्ट को ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। डेड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड, जो डेड एनिमल्स होते हैं वो भी क्या देते हैं, ह्यूमस कंटेंट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इस लेसन के। फर्स्ट है व्हाट इज एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या है ये आपने पढ़ा था। एवरीथिंग दैट वी सी इन अवर सराउंडिंग्स फॉर्म एनवायरनमेंट, हम जो जितनी भी चीजें हमारे चारों ओर हैं वो सब मिलके क्या बनाती है, एनवायरनमेंट। इट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड अस एयर वाटर फूड एंड लैंड। नेक्स्ट है व्हाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज कैसे हो रहा है। अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग बिकॉज अवर नीड्स, हमारी जरूरतों की वजह से। आर इंक्रीजिंग डे बाई डे टू फुलफिल दीज नीड्स, वी ऑफन डोंट थिंक अबाउट द एनवायरमेंट एंड स्टार्ट मॉडिफाइंग इट। हम एनवायरमेंट को ध्यान में बिना रखे, बिना उसके उसके बारे में सोचे क्या कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं, ठीक है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, अब जो वाटर बॉडीज हैं उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, जैसे रिवर, लेक, सीज, ओशियंस एसेट्रा, राइट। हाउ इज द एटमोसफेयर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, अब जो एटमोसफेयर है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे है। एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज, अब जो एयर है जो अर्थ के चारों ओर सराउंडेड है वो हमें हार्मफुल रेज से, सन की, प्रोटेक्ट कर रही है, स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, ठीक है। अगला है बार्टर सिस्टम, व्हाट इज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ ट्रेड, वो एक ऐसा व्यापार है जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी, अब जिसमें चीजों का आदान प्रदान होता है बिना पैसों के, ठीक है, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। आगे है डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायोटेक एंड ए बायोटेक एनवायरमेंट्स विद एग्जाम्पल्स, अब हमें यहाँ पे बायोटेक और ए बायोटेक एनवायरमेंट में डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे कि बायोटेक एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बायोटेक एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। और ए बायोटेक एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए बायोटेक एनवायरनमेंट कहलाते हैं, जैसे कि लैंड, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज द बायोटेक एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ए बायोटेक में द वर्ल्ड ऑफ द नॉन लिविंग एलिमेंट इज नोन एज द ए बायोटिक एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल लैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉट होल्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अब अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होल्ड करता है, एटमोसफेयर को, है ना। द एटमोसफेयर होल्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल 5 जून को। तो आप इसमें क्या लिखोगे, द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर।
नेक्स्ट है नेम द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. अब वो कौन सा डोमेन है जो हमें देता है फॉरेस्ट ग्रास लैंड ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिथोस्फेयर. ये चीजें हमें किससे मिलती हैं, लिथोस्फेयर डोमेन से. नेक्स्ट है व्हाट कम्स अंडर द नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. अब नेचुरल कंपोनेंट में एनवायरनमेंट के क्या क्या चीजें आती हैं, लैंड जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं, एयर जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, वाटर जिसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, एंड लिविंग थिंग जिसे बायोस्फेयर कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर किसे कहते हैं, जो कि वाटर का डोमेन है, इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर है एयर की जो सराउंड करती है किस पे, अर्थ के चारों ओर. ठीक है. व्हाट कॉजेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर यानी कि जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं तो वो किस में चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, वेदर और क्लाइमेट में. ठीक है, जिसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं. ठीक है. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.